हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स। बट आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन केवल एनिमल्स में होता है और कुछ प्लांट्स में होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंडेड ऑन प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट। मीन्स कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वे अपने फूड के लिए प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और आइए हम देखते हैं कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कितनी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आपका है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट डिस्क्राइब करते हैं हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, उसे हम सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है फंगी एंड बैक्टीरिया। एंड सेकेंड अपना है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और होस्ट सेल्स इज नोन एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसका एग्जाम्पल है मॉस्किटो एंड लाइस। मीन्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रह करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, चाहे वो बॉडी के अंदर रहें या बाहर रहें और परमानेंटली रहें या टेम्परेरी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले एनिमल्स की तीन कैटेगरीज हैं, एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट ओनली ग्रीन प्लांट इज नोन एज हर्बीवोरस। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट से अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, बफेलो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कार्निवोरस एनिमल्स, द एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट ओनली फ्लैश इज नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिशन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ्लैश से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन एक्सेट्रा। थर्ड है ओमनीवोरस एनिमल्स, द एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज ओमनीवोरस एनिमल्स। मीन्स ओमनीवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्रो, कैट, डॉग एक्सेट्रा।